हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉपी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो कॉपी वेरिफिकेशन का रिजल्ट निकल चुका है क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का। और क्लास टेंथ का रिजल्ट अगर आप लोग को चेक करना है कॉपी वेरिफिकेशन का, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। जब आपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आप लोग को अप्लीकेशन स्टेटस और वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पर फिल करना रहता है आप लोग का अपना अप्लीकेशन नंबर और फिर रोल नंबर, और फिर प्रोसीड पर आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो आप लोग का वेरिफिकेशन का रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मार्क्स इंक्रीज्ड हुआ होगा तो यहाँ पे आप लोग का लिखेगा कि इंक्रीज्ड हुआ है, अगर डिक्रीज्ड हुआ होगा तो डिक्रीज्ड भी लिखेगा, या तो किसी टाइप्स में आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिजल्ट्स देख सकते हैं क्लास टेंथ के लिए। और 27 और 28 मई को डेट दिया गया था कि जैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अपना कॉपी अप्लाई किया है तो कॉपी रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग का आंसर शीट का आप लोगों को फोटो कॉपी के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप लोग को यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करना है, जिसमें आप लोग को लिखा है वह मिलेगा अप्लाई क्लास ट्वेल्थ टेंथ और रिवॉल्यूशन, ठीक है। इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाते हैं, जिसमें आप लोग को अप्लीकेशन नंबर फिल करना रहता है और अपना रोल नंबर फिल करना रहता है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले अपना क्लास चूज कर लेना है। जैसे अगर आप क्लास टेंथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ क्लास टेंथ रखना है, और फिर यहाँ पे आप लोग का अपना सबसे पहले अपना रोल नंबर फिल कर लेना है, और फिर अप्लीकेशन नंबर, और फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आता है आप इन्फॉर्मेशन को फिल करते जाए, और फिर वही आप लोग डेबिट कार्ड से आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आंसर शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप आंसर शीट के लिए अप्लाई कर ले। आंसर शीट के लिए जैसे हम अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन चैलेंजिंग के लिए आप लोग का डेट दिया गया है 31 और 1 जून, ठीक है। तो ये सब आप लोग का डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, इन सब डेट्स को आप ना भूलें और ध्यान में रखते हुए आप लोग अप्लाई करते रहें। तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह का क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में आता है तो कमेंट करना ना भूलें।